और दोस्तों भारत में लॉन्च कर दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट। क्या कमाल का स्मार्टफोन है। आपको पता है दोस्तों वैसे भी सैमसंग की जो नोट 10 सीरीज होती है, नोट 10 प्लस हुए, नोट 10 हुआ, वो हमेशा फ्लैक्सिब लेवल की सीरीज होती है जहां पे आपको 80 से 90 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं। और अब दोस्तों सैमसंग ने क्या किया है कि जो 80 से 90 हज़ार रुपये की प्राइस के फ़ोन आते थे उनको बहुत ज़्यादा लोग परचेज नहीं करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बजट में स्मार्टफोन लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने अपना लॉन्च किया है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट। इस स्मार्टफोन से आप सैमसंग के फ्लैक्सिब लेवल के स्मार्टफोन तक का भी मजा ले पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको पेन दिया गया है जिसका नाम है एस पेन। वही आपको पता है सैमसंग का जो एस पेन होता है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों कितनी प्राइस में इंडिया में लॉन्च हुआ है, वेल ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक कल्चर पे। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। चलो दोस्तों बात करेंगे यहां पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट की डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं 6.7 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, और यह डिस्प्ले मैं आपको बता दूं इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है, मतलब बीच में आपको यहां पे थोड़ी सी गोल वाली आकार में डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि यहां पे आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। और हां दोस्तों यह डिस्प्ले जो है वो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। बैक की बात करें दोस्तों यहां पे आपको बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिल जाएंगे साइड में, और यहां पे बैक में आपको ग्लास नहीं दिया गया दोस्तों। ये बैक की जो बॉडी है वो ग्लास्टिक की बॉडी दी गई है। ग्लास्टिक क्या होता है, पॉलीकार्बोनेट की बॉडी होती है, वहां पे आपको ग्लास की फिनिश दी जाती है जिसे हम ग्लास्टिक बोलते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों ये जो सैमसंग की नोट 10 लाइट सीरीज जो होती है वो क्यों पॉपुलर होती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसमें आपको एस पेन भी दिया गया है। एस पेन से मतलब क्या होता है कि आप पेन की साइज से मर्जी चाहे जो आप लिखेंगे वो ओपन हो जाएगा, तो ये कमाल का फीचर्स लगता है दोस्तों। आपने बहुत बार देखा भी होगा, पहले आपने देखा होगा, इवन कभी कभार आप देखते होंगे जो महंगे स्मार्टफोन आते हैं कभी कभी आपने देखे होंगे वो अपनी इस केस से उस मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं, तो कितना ज्यादा अच्छा लगता था। जब मैं छोटा था तो मैं इस तरीके से देखता था तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आते थे ये, क्योंकि पेन से लिख रहे होते थे, हाथ यूज नहीं करना पड़ता था। वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको, आप पेन से ज्यादा पसंद करते हैं या हाथ से ज्यादा लिखना पसंद करते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर से बताइए। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा दोस्तों, 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा और 6GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में मुझे केवल एक ही चीज पसंद नहीं आई है, इवन मुझे सैमसंग के जो स्मार्टफोन होते हैं उनमें केवल एक ही चीज पसंद नहीं आती है, वो है इसका प्रोसेसर, क्योंकि इसमें आपको एक्सिनोस 9810 वाला चिपसेट आपको देखने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम कब से कह रहे हैं कि सैमसंग को स्नैपड्रैगन पर स्विच करना चाहिए, लेकिन सैमसंग अभी तक स्विच ही नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको दोस्तों, सैमसंग कभी स्विच करेगा या नहीं करेगा, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर से बताएं। और दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहां पे कैमरास के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बैक में आपको ट्रिपल कैमरे देखने को मिल रहे हैं और तीनों ही कैमरे बिल्कुल सेम देखने को मिल रहे हैं। 12 मेगापिक्सल का रियर सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल के यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, और लास्ट कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है, वो दोस्तों ऑप्टिकल 2x जूम वाला देखने को मिलता है, मतलब बहुत दूर के फोटो आप पास से क्लिक कर पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि सैमसंग के चाहे 5 मेगापिक्सल हो चाहे 12 मेगापिक्सल हो, कितने भी मेगापिक्सल के कैमरे होते हैं वो काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, तो ये मत सोचिए दोस्तों कि 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल के आ रहे हैं तो 12 मेगापिक्सल का क्या काम करेगा, सैमसंग का है दोस्तों 12 मेगापिक्सल का भी काफी ज्यादा हैवी होता है। हाँ दोस्तों फ्रंट के कैमरे की बात करें तो मैंने आपको बताया बीच में यहाँ पे आपको राउंड वाला कैमरा देखने को मिल रहा है, उसमें आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, तो सेल्फी आपकी काफी ज्यादा कमाल की आने वाली है। एक्चुअल में क्या है, कंपनियां सबसे ज्यादा फोकस क्यों कर रही है सेल्फी पे, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने हाथ से सेल्फी क्लिक करते हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता किसी को दूसरे फोन पकड़ा और वो आपका फोटो खींचे, खुद ही ले लेते हैं, इसीलिए वो लोग सेल्फी पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। वैसे दोस्तों क्या आप भी सेल्फी लेना पसंद करते हैं, कमेंट में बताएं। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी, क्योंकि यहां पे आपको 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है, वही देखते हुए उन्होंने बैटरी भी अच्छी डाली, यहां पे आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिलेगा, और ये जो बैटरी है वो सुपर फास्ट चार्जर के साथ आती है, मतलब आप बहुत जल्दी अपनी बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। हाँ दोस्तों बात करें इसकी प्राइस के बारे में, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करती है, यहां पे इसकी प्राइस है वो 6GB 128GB स्टोरेज की रखी है वो 38
1000 रुपये रखी गई है। वहीं इसका 8GB 128GB स्टोरेज है, उसकी प्राइस रखी गई है वो 40,000 रुपये रखी गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप सैमसंग का कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो और उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाए। मतलब आप कह सकते हैं 5,000 रुपये आप सेव कर सकते हैं अगर आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट को परचेज करते हैं। तकरीबन आपको ये 33,000 रुपये में देखने को मिल जाता है अगर आप किसी फ़ोन के साथ एक्सचेंज करते हैं तो। वैसे दोस्तों 33,000 रुपये में एस पेन वाला ये स्मार्टफोन अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। ये जो है प्री बुकिंग होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, ये मार्केट में आपको ऑफलाइन भी देखने को मिलेगा और ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगा। 3 फरवरी से आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसे ही नए नए मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको फिर और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।